जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यार आज फाइनली मोटो G52 लॉन्च हो गया है। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 90Hz रिफ्रेश रेट, 402 का PPI, इतना ज्यादा PPI भाई, बहुत ही अच्छी बात है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन पंचोल के साथ आएगा। चिन बहुत ही कम नहीं होगा, नॉर्मल चिन होगा, पंचोल भी आपको थोड़ा सा बड़ा वाला देखने को मिलेगा। देखो यार, पहली बात AMOLED डिस्प्ले मिलता है विथ 90Hz रिफ्रेश रेट, जो आपको स्मूथनेस वाला फीलिंग तो देगा ही देगा, लेकिन जब भी गेमिंग करोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, मूवीज देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, एक्सपीरियंस काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। क्योंकि भाई AMOLED डिस्प्ले है तो कलर्स काफी पंकी होंगे, कलर्स का जो डेप्थ होगा आपको डुबा देगा, खींच लेगा डिस्प्ले में। और गेम करते वक्त जो गेम के ग्राफिक्स होंगे, जो उनका शेडो होगा, जो गेम के कलर्स होंगे, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, मजा आया। और भूलो मत 402 का PPI भी है। अब PPI को इतना इसलिए मैं खींच रहा हूँ क्योंकि 402 का PPI बहुत ही कम फोन्स में होता है, खास के बजट कैटेगरी के फोन्स में। और PPI जितना ज्यादा होगा पिक्सल पर इंच, स्मार्टफोन उतना क्लियर आपको दिखाई देगा, उतना क्लियर कंटेंट आपको देगा, समझ गए? महसूस होगा आपको कि भाई मेरा स्मार्टफोन काफी क्लियर है। कैमराज की बात कर ले तो कैमराज भी बहुत ही अच्छे हैं यार। मोटोरोला ध्यान दिया कि बंदे जो हैं, हम लोग रियल लाइफ में कौन से सेंसर को यूज करेंगे, कौन से मोड्स को यूज करेंगे, कौन से लेंस को यूज करेंगे, उस हिसाब से दिया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 MP का वाइड एंगल कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। हम लोग लाइफ में ज्यादातर अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेते हैं, वाइड एंगल शॉट्स लेते हैं, मैक्रो को तो यूज ही नहीं करते हैं, डेप्थ सेंसिंग भी नहीं करते हैं। तो अच्छा लगा देख के, 2 MP का मैक्रो मिल जाता है, 16 का सेल्फी है, सेल्फीज भी आप अच्छे ले लोगे, अच्छा हुआ 8 MP का नहीं दिया, कैमरा एक नंबर है। अब चलो यार बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 2.2 के स्टोरेज सपोर्ट के साथ, LPDDR4 एक्स रैम टाइप, 5000 mAh के बैटरी के साथ आता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये स्मार्टफोन 30W के चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 33W का चार्जर मोटोरोला दे रहा है। देखिए मोटोरोला कितना बड़ा देव मानुष है। इतनी खुशी कि नहीं देखिए तुम, Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, NFC के साथ भी है, बस यही है मेन स्पेसिफिकेशंस। अब चलो यार बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 680 मिल जाता है, जो 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, Adreno 610 का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स में अच्छे से गेमिंग कर लोगे, थोड़ा थोड़ा लैग होगा लेकिन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना पता नहीं चलेगा। और डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन मक्खन के जैसे चलेगा, 4G प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है। अब चलो यार बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन 7.99 mm के थिकनेस के साथ आएगा, 169 ग्राम्स इसका वेट है, मतलब कि स्मार्टफोन हल्का तो है लेकिन मोटा भी है, पता नहीं मोटोला ऐसा क्यों किया, वैसे अंदर माल मसाला भरा है तो मोटा तो रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। डिजाइन वाइज कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वही आपको पुराना जो बहुत ही ज्यादा परंपरा चलते हुए आ रहा है मोटोला का, पुराना वाला वही परंपरा यहां पर भी देखने को मिलेगा। परंपरा अनुशासन प्रतिष्ठा, यही डायलॉग था ना यार, खैर छोड़ो। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, डिजाइन वाइज ज्यादा बातें नहीं करूंगा, वही घिसा पिटा हुआ डिजाइन है, मजा नहीं आता है, मोटोरोला को बोल बोल के थक गया मैं, लेकिन डिजाइन वो चेंज करता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता भाई ये कौन सा मॉडल है, G51 है कि G52 है कि G37 है कि G41 है कि G51 है, थक गया यार बोलते बोलते। अगर आप बिल्ड वाइज देखोगे तो आपको प्लास्टिक बैक मिल जाता है, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, आगे से भी देखने में फोन अच्छा लगता है, IP52 का रेटिंग मिल जाता है, तो पानी वानी के छींटे पड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, बच जाएगा आपका स्मार्टफोन, लेकिन पानी से बचा के रखना, टेस्ट मत करने लगना पानी पानी डाल के। अब चलो यार बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च हो गया है, केवल एक ही रैम वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 4+128GB, जिसका प्राइस है 20,600 रुपए, 20,600 रुपए। मैं जानता हूं आपको प्राइस ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये यूरोपियन प्राइस है यार, इसी वजह से ये ज्यादा प्राइस है, इंडिया में आएगा तो आपको कम प्राइस पे देखने को मिलेगा, यूरोपियन प्राइसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। अब चलो यार बात कर लेते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। देखो यार, एक हफ्ते पहले ये स्मार्टफोन इंडिया के PIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, मोटोरोला इसको इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा, अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको मई में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है इंडिया में। अगर ये इंडिया में लॉन्च होगा तो इसका प्राइस इंडिया में 15,000 रुपए के आसपास होगा, उससे ज्यादा कब नहीं होगा, 15,000 तक इसको रहना पड़ेगा। और भी दावेदार हैं, और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो इससे अच्छे स्पेक्स देते हैं या फिर ऐसे स्पेक्स देते हैं वो भी 15,000 रुपए से भी कम प्राइस पे, तो इसको 15,000 तक रहना पड़ेगा। कुछ और अगर पता चलेगा इस स्मार्टफोन के बारे में इंडियन अवेलेबिलिटी से रिलेटेड तो मैं आपको टेक न्यूज में अपडेट करता रहूंगा। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।